माननीय गृह मंत्री व सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, उपस्थित देवियों और सज्जनों, आज विजयदशमी के पावन पर्व पर जब सारा देश स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव की परियोजनाएं भी बना रहा है, मुझे आपका स्वागत और अभिनंदन सेल्युलर जेल में करने का सुअवसर मिला है, जिसकी स्वतंत्रता संग्राम में अतुलनीय व महत्वपूर्ण भूमिका के बिना संभवतः हम आज का दिन देख भी नहीं पाते। महोदय, जैसा कि ज्ञात है, स्वतंत्रता के बाद के दशकों तक इन द्वीपों में विकास परियोजनाओं को कोई प्राथमिकता नहीं मिल पाई थी। आपकी मई 2016 में यहाँ की यात्रा के अगले ही वर्ष आइलैंड्स डेवलपमेंट एजेंसी का गठन, पुरानी नीतियों में ऐतिहासिक परिवर्तन व नए लक्ष्यों को निर्धारित करते हुए माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में हुआ था। द्वीपों के सामरिक महत्व के अनुसार विकास की आधारभूत परियोजनाओं को विशेष केंद्रित गति व दिशा देते हुए पिछले 3-4 वर्षों में अनेक महत्वपूर्ण व रूपांतरणीय परियोजनाएं पूरी हुई हैं, जिनसे आपकी पिछली यात्रा की तुलना में आए कुछ मूलभूत व बुनियादी परिवर्तनों से मैं आपको संक्षेप में अवगत कराना चाहूँगा। नेटवर्क कनेक्टिविटी एक बड़ी चुनौती थी, जिससे सामरिक और विकास परियोजनाओं में बाधा आती रही। सबमरीन केबल का प्रस्ताव तो लगभग 2 दशकों से चर्चा में था, किंतु इस पर निर्णय वर्ष 2018 में ही हो पाया। सबसे उल्लेखनीय यह है कि एक रिजल्टेंट सिंगल वेंडर हो जाने के बावजूद भी इसके आईडीए एजेंडा में शामिल होने व पीएमओ तथा गृह मंत्रालय के सहयोग से ही यह परियोजना फलीभूत हो पाई, अन्यथा संभवतः आज भी एक सुझाव ही रहती। लगभग 1400 करोड़ रुपए की लागत व 2300 किलोमीटर से भी अधिक समंदर के नीचे बिछे ओएफसी की इन द्वीपों के इतिहास में यह सबसे बड़ी टेली कनेक्टिविटी परियोजना है। इसका दिसंबर 2018 में शिलान्यास से अगस्त 2020 में उद्घाटन, जो दोनों माननीय प्रधानमंत्री जी ने किए थे, 2 वर्षों से भी बहुत कम समय में कार्यान्वित हो जाना अपने आप में ही एक कीर्तिमान है। इससे पिछले 3-4 वर्षों तक की जो नेटवर्क कनेक्टिविटी जो लगभग 1 Gbps होती थी, उससे बढ़कर चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर सेक्टर में 200 Gbps और पोर्ट ब्लेयर से बाहरी द्वीपों के सेक्टर्स में 100 Gbps हो गई है, यानी कि 100 से 200 गुना वृद्धि। ओएफसी में अतिरिक्त क्षमता भी उपलब्ध है, जिससे इस बैंडविड्थ को आवश्यकता अनुसार बढ़ाने के प्रावधान से अब हम टेलीकॉम व आईटी के प्रदूषण मुक्त इंडस्ट्रीज पर कार्यवाही कर रहे हैं। विदेशी पर्यटकों के लिए रिस्ट्रिक्टेड एरिया परमिट एक बड़ी बाधा थी, जिसे हटाने के साथ साथ कस्टम्स, इमिग्रेशन, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट्स के अनुसार वीजा ऑन अराइवल, ई वीजा इत्यादि सुविधाएं प्रारंभ करने व अनेक पीपीपी के टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करने से 2018 व 2019 दोनों वर्षों में इन द्वीपों के इतिहास में पहली बार पर्यटकों की संख्या 5 लाख से ऊपर रही, जो कि यहाँ की जनसंख्या से भी अधिक हैं। हमारे सुझाव की स्वीकृति के बाद आसियान देशों से सीधे व्यापारिक संपर्क आरंभ हो चुके हैं,
तथा कुछ कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स या निर्माण सामग्री का सीधा आयात होने भी लगा है। पिछले ही महीने आसियान के 8 देशों के राजदूत व उच्चायुक्त यहाँ की यात्रा पर आपसी सहयोग बढ़ाने की परियोजनाओं पर चर्चा करने आए थे। फिशरीज के सीधे निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी या एमपीडा तथा एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल EIC दोनों के कार्यालय अब यहीं स्थापित किए जा चुके हैं, जहां की प्रोडक्ट्स को पहले मेनलैंड में इंस्पेक्शन क्लियरेंस के लिए भेजना पड़ता था। महोदय, इसी प्रकार की अन्य परियोजनाओं का इस समय उल्लेख न करके अंत में आपके आगमन के लिए धन्यवाद तथा आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिसमें विकास कार्यों को गति व दिशा देते हुए अनेक महत्वाकांक्षी, दूरदर्शी तथा रूपांतरणीय परियोजनाओं के उद्घाटन, शिलान्यास व घोषणाएं आपके द्वारा होना सुनिश्चित हुए हैं, जिनसे न्यू इंडिया के सपने को साकार करने में न्यू एंडमंस अपनी भूमिका निभा सकेगा। मैं समस्त द्वीपवासियों तथा प्रशासन की ओर से पुनः हार्दिक स्वागत करते हुए आपको द्वीपों में सुखद प्रवास की शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद और जय हिंद। धन्यवाद माननीय।